नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSE विथ HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd पाठ्यक्रम हेतु प्री BEd MEd प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन 4 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक निर्धारित किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्री BEd MEd प्रवेश परीक्षा 2020 के शिक्षण विषय, प्रश्न पत्र प्रारूप एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। BEd MEd पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है। शिक्षण विषय से अभिप्राय ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर एवं अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु लिया हो। ऐसा विषय ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है, बशर्ते अभ्यर्थी ने इस विषय का कम से कम 2 वर्षों तक अध्ययन किया हो। या विशेष लाइन है कि ऐसा विषय ऐच्छिक विषय भी हो सकता है और सहायक विषय भी हो सकता है, जिसको हम शिक्षण विषय के रूप में चयन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि इस विषय का कम से कम 2 वर्षों तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय ने प्रति वर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। शिक्षण विषय में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः रहताकारी विषय सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य शिक्षा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास अथवा प्रारंभिक गणित आदि जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किए गए हैं, या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ़कर द्वितीय आदि वर्षों में छोड़ दिया गया हो, शिक्षण विषय के रूप में नहीं माना जाएगा। ऑनर्स स्नातकों के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय को भी माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑनर्स के संदर्भ में भी जो बात है वो कही गई है कि ऐसा विषय ऑनर्स स्नातकों के लिए ऑनर्स विषय के अलावा जो सहायक विषय हैं वो भी शिक्षण विषय हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? अभ्यर्थी उस विषय को न्यूनतम 2 शिक्षा सत्रों तक पढ़ा हो और प्रत्येक सत्र के अंत में उसकी परीक्षा दी हो। 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंक तालिका में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के प्राप्तांक एवं द्विवर्षीय स्नातक उपाधि की स्थिति में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्राप्तांक अलग अलग दर्शित किए जाकर इनका संकलन होना आवश्यक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि शिक्षण विषय के चयन के संदर्भ में जो सूचना है वो जारी की गई है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि विषय ऐच्छिक या सहायक विषय दोनों हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वर्षों तक अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य शिक्षा, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास अथवा प्रारंभिक जो गणित विषय हैं जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किए गए और उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया गया हो, तो ऐसे विषय शिक्षण विषय के रूप में मान्य नहीं होंगे। और ऑनर्स विषय की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर भी उस विषय को शिक्षण विषय माना जाएगा जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने न्यूनतम 2 शिक्षा सत्रों तक किया हो तो और अंत में विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा ली गई हो, और साथ में 3 वर्षीय स्नातक जो पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंक तालिका में प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में और तृतीय वर्ष के प्राप्तांक एवं द्विवर्षीय स्नातक उपाधि की स्थिति में द्विवर्ष, तृतीय वर्ष के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए गए हों और उनका संकलन होना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर शिक्षण विषय का जो चयन है वो हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम जिन अभ्यर्थियों ने BA डिग्री इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र इन विषयों में से किन्हीं 2 विषयों को लेकर प्राप्त की है,
उन्हें बीएड परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान विषय लेने की अनुमति होगी। तो यहाँ सीधा स्पष्ट किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बीए डिग्री किससे की है, इतिहास से की है, राजनीति विज्ञान से की है, लोक प्रशासन से की है, अर्थशास्त्र से की है, भूगोल दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र में की है, और किन्हीं दो विषयों को लेकर, इन विषयों में से कितने विषय होने चाहिए, दो विषयों को लेकर अगर की है तो उन्हें बीएड परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान विषय लेने की अनुमति होगी। कृषि स्नातकों को बीएड परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान, अब कई बार प्रश्न उठता है कि कृषि स्नातक अगर बीएड में सब्जेक्ट लेते हैं तो एक तो लेते हैं सामान्य विज्ञान और एक लेते हैं जीव विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान जो विषय हैं लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए भी रहेगी जिन्होंने बीएससी डिग्री होम साइंस से की हो, लेकर अथवा बीएससी परीक्षा पहला है रसायन शास्त्र से, दूसरा है जीव विज्ञान से, और जीव विज्ञान में भी कोई विषय जैसे जीव विज्ञान ली हो, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से उत्तीर्ण की है, तो वह सामान्य जो विज्ञान है वो आसानी से ले सकता है। अब बात करेंगे हम जिन अभ्यर्थियों ने बीए अथवा एमए परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है, वह बीएड परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र विषय लेने के पात्र होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने बीए अथवा एमए, यहाँ अथवा लगाया गया है, बीए अथवा एमए परीक्षा राजनीति विज्ञान से अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है, वह बीएड परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में कौन सा विषय ले सकते हैं, नागरिक शास्त्र विषय ले सकते हैं। पात्रता नियमों की व्याख्यात्मक जो टिप्पणियां हैं वो इस प्रकार की गई है। प्री बीएड एमएड के संकायवार मेरिट के लिए अभ्यर्थी का वही संकाय माना जाएगा जिसमें उसने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, अर्थात जो अर्हताकारी परीक्षा है तथा जो शिक्षण के अभ्यास के लिए विषय चुनने के योग्य बनाती है। स्नातक परीक्षा की संकाय से भिन्न स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय होने पर न तो मेरिट निर्धारण के लिए इस विषय पर चयन किया जाएगा और न ही शाला शिक्षण विषयों को लेने हेतु इस पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर विशेष तथ्य है कि प्री बीएड एमएड संकाय बार जो मेरिट बनेगी उसमें स्नातक उत्तीर्ण की हो, यानी संकाय जिसमें उसने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, अर्थात जो अर्हताकारी परीक्षा है जो शिक्षण के अभ्यास के लिए विषय चुनने की योग्य बनाती है। स्नातक परीक्षा की संकाय से भिन्न स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय होने पर न तो मेरिट निर्धारण के लिए इस पर विचार किया जाएगा और न ही शाला शिक्षण विषयों के लिए इस पर विचार किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी ने साइंस सब्जेक्ट से जिसमें केमिस्ट्री, बायो और इसी के साथ में बायो के अंदर दो विषय आते हैं जिसमें एक तो बोटनी होती है और एक जूलॉजी होती है, यह विद्यार्थी आगे जाकर किसी सब्जेक्ट में अदर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करता है, जैसे इस विषय ने किसी राजनीति विज्ञान से मास्टर डिग्री कर ली और यह चाहता है कि मैं स्नातक में अपने जो एमएड के या बीएड के दौरान मैं इन सब्जेक्ट में से चयन करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। विद्यार्थी को साइंस सब्जेक्ट में जैसे केमिस्ट्री से की हो, बोटनी से की हो, जूलॉजी लेकर उसने स्नातक विषय उत्तीर्ण किया है, तो वह एमएससी जो मास्टर डिग्री होगी वह या तो बोटनी से किया हुआ होना चाहिए या जूलॉजी से किया हुआ होना चाहिए या केमिस्ट्री से किया हुआ होना चाहिए। साइंस स्टूडेंट अगर बी आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर मास्टर डिग्री करता है तो ऐसी स्थिति में उसे
मेरिट जो निर्धारण है उस प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि जो विषय स्नातक स्तर पर लिए गए हैं उन्हीं विषयों के अंदर मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। तो यहाँ सीधा सीधा अर्थ यहाँ स्पष्ट किया गया है। जहाँ किसी अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय से भिन्न एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनों विषय शाला शिक्षण विषय और अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहे तो उसके मेरिट निर्धारण के लिए उसे स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय दिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय से भिन्न एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनों विषय शाला शिक्षण विषय हो और अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहे तो उसके मेरिट निर्धारण के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्पष्ट किया गया है कि स्नातक परीक्षा के संकाय से अगर कोई अलग विषय में दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो स्नातकोत्तर की जो परीक्षा में जो संकाय लिया गया है उस पर विचार किया जा सकता है। वाणिज्य स्नातक अर्थशास्त्र विषय नहीं ले सकते और जो कॉमर्स के में स्नातक किया है वो अर्थशास्त्र विषय शिक्षण विषय के रूप में नहीं ले सकता। अभ्यर्थी जिनके स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने वाला कोई दो शिक्षण विषय नियमानुसार नहीं बनते वे टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नहीं हैं। बीए, बीए, बीबीए, बीसीए, बीबीए, बीई, बीएससी, बायोटेक्नोलॉजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाला विषय नहीं बनने के कारण वे भी टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नहीं हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाला कोई दो शिक्षण विषय निम्नानुसार नहीं बनते हैं वे टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नहीं हैं। और इसी के साथ में जिन्होंने अपनी स्नातक डिग्री बीबीए, बीसीए, बीई, बीएससी, बायोटेक्नोलॉजी या कोई ऐसी स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाला विषय नहीं बनने के कारण वे भी इस टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं हम परीक्षा पैटर्न के संदर्भ में। प्री बीएड एमएड इंटीग्रेटेड त्रिवर्षीय में प्रवेश हेतु एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें चार अनुभाग होंगे यानी इसके भी चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रवेश परीक्षा 200 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होगा। टोटल अंक कितनी होंगे? 200 अंकों का होगा और प्रश्न पत्र कैसा होगा? बहुविकल्पी होगा। इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा। सामान्य मानसिक योग्यता के 50 अंक होंगे, सामान्य चेतना के 50 अंक होंगे, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी के 50 जिसमें 25 हिंदी के और 25 अंग्रेजी के होंगे, शैक्षणिक अभिरुचि एवं कंप्यूटर प्रणाली के मूलभूत तत्व में 50 का पेपर होगा जिसमें शैक्षणिक अभिरुचि 25 नंबर की होगी और कंप्यूटर जो प्रणाली है इससे 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार टोटल 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया है। सामान्य मानसिक योग्यता, तर्क करना, संबंध रख देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, विषमता को पहचानना,
आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, अंक एवं आकृति, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी समस्याएं एवं विभिन्न प्रकार के पैटर्न। तो यहाँ पर सामान्य जो मानसिक योग्यता है, इन टॉपिकों से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, यह 50 अंक के पूछे जाएंगे। पाठ दो है सामान्य चेतना के, जिसमें भारतीय इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इसी के साथ में भूगोल, सामान्य विज्ञान से प्रश्न है पूछे जाएंगे। पार्ट तीन के अंदर हिंदी और अंग्रेजी है, जिसमें 50-50 यानी 25 प्रश्न हिंदी के और 25 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, जिनमें सामान्य जो हिंदी है वो हम करना होगा। तो यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है, तो इस सिलेबस को आप PDF फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर प्रणाली है, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 200, प्रत्येक अनुभाग में 50 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, और यहाँ अंग्रेजी जो अनुवाद है वो अंतिम माना जाएगा। समय अवधि की अगर हम बात करें तो 3 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और पूरा प्रश्न पत्र 200 अंकों का। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, और यहाँ विशेष तथ्य है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। तो यहाँ पर इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। सभी अनुभागों के प्रश्न पत्र टेस्ट बुकलेट के रूप में होंगे, जिसमें प्रत्येक अनुभाग 1, 2, 3 50 तक क्रमांक में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्पी उत्तर ABCD के रूप में होंगे, और सही उत्तर चुनकर उसमें दिए गए उत्तर पत्र को ओमार जो सीट आती है उसमें में नीले वॉल पेपर से जो गोला है उसको गहरा नीला करना होगा। निशान गहरा नीला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा नीला करना है, जैसा नमूने में दर्शाया गया है। दिए हुए उपयुक्त जगह को ही नीला करना है। उत्तर पत्रक पर इधर उधर कहीं पर भी निशान नहीं लगाना है। एक से अधिक गोले को नीला कर देने से उत्तर गलत मान लिया जाएगा। उत्तर पत्रक पर अन्य कार्य नहीं करना होगा। मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक के आधार पर ही किया जाएगा। तो यहाँ पर इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो दिए गए हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्री बीएड एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसके संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, एवं इस वीडियो के माध्यम से शिक्षण विषय प्रश्न पत्र प्रारूप और पाठ्यक्रम के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करूंगा कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC VTHSM के साथ। जय हिंद, जय।